का रुख करते हैं जो हमारे आज के खास मार्केट एक्सपर्ट है संदीप जी। अब बजट से पहले हमने देखा लगातार 5 दिन बाजार में गिरावट नजर आई है। सबके मन में सवाल यही है कि बजट से पहले ये गिरावट, इसके मायने क्या हैं, और दूसरी बात ये कि फिलहाल अभी स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए? देखिए, स्ट्रैटेजी तो बाइंग की ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक रीजन है कि इतना बड़ा करेक्शन वैसे लाजमी था। 14,700-14,800 के लेवल से जो निफ्टी अभी आई है, तो कहीं ना कहीं देखिए 14,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी तोड़ा और अब एक अच्छे खासे सपोर्ट के आसपास पहुंची है, जो कि 13,700 से लेकर 13,800 के बीच में है। और आज देखिए जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने आगवाई की और जबरदस्त बाउंस बैक किया है, और अब अगर एसजीएक्स निफ्टी को भी देखें तो वो भी 100 पॉइंट्स प्लस ट्रेड कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से एफआईआई की सेलिंग थी तो डीआईआई की बाइंग भी थी। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बजट के पहले एक नर्वसनेस थी, प्रॉफिट बुकिंग आई, और बजट के पहले जब इतना मार्केट टूट जाता है तो अगर बजट में थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी या कुछ पॉजिटिव न्यूज आएंगी तो मार्केट बाउंस भी बहुत जल्दी करेगा, तो कटान भी था। सो ओवरऑल मुझे लगता है बाइंग ही कुछ कॉल्स में लेके आए और बाइंग ही करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसे में अब इंट्राडे के जो पिक्स हैं आपकी कौन सी होंगी, एक दिन की खरीदारी अगर करनी हो, और हफ्ते भर का नजरिया आप कहां रखें? बिल्कुल, देखिए मैं इंट्राडे एफएनओ पिक में मैं ब्रिटानिया को लाया हूं, जो कि बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन दिखाया हुआ है, डाउनसाइड मुझे कम लगती है। और जिस तरीके से अभी खराब मार्केट में भी रेजिलियंट था, तो 3560 का स्टॉप लॉस लगाएं और 3690 और 3730 का टारगेट। और दूसरा जो इंट्राडे कैश मार्केट के तौर पे मैं स्टॉक लाया हूं वो है नेस्को, जो कि 589 के लगभग क्लोजिंग हुई है, और 625-630 का टारगेट लगाए और 570 का स्टॉप लॉस। और तीसरा पेपर स्टॉक है, अगेन जैसे कि जेके पेपर काफी चला हुआ है, मैंने और भी पेपर स्टॉक्स बोले हुए हैं, बट वेस्ट कोस्ट पेपर फंडामेंटली भी बहुत बढ़िया और टेक्निकली भी एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद एक बहुत बढ़िया सपोर्ट पे है, और मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए। 178 के लगभग बंद हुआ है, 210 का टारगेट पोजिशनल पिक के तौर पे और 160 का स्टॉक। तो दो इंट्राडे पिक संदीप जैन की, ब्रिटानिया में खरीदारी की सलाह, नेस्को भी उनकी इंट्राडे पिक है, और पोजिशनल व्यू वेस्ट कोस्ट पेपर में रखने की सलाह दी है संदीप जैन ने, बातचीत जारी रखेंगे उनसे। लेकिन इस बीच दो कंपनीज, एक के नतीजे आए एक के नतीजे आने बाकी है। सबसे पहले संदीप जी, मारुति में आपका व्यू मैं जानना चाहूंगी, नतीजे हालांकि उतने अच्छे नहीं आए अनुमान के मुताबिक, मारुति में क्या करने की सलाह? टाटा मोटर्स के जो नतीजे आएंगे उससे पहले कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं क्या? देखिए टाटा मोटर्स में तो अब डर लग रहा है, जिस तरीके का बड़ा रनअप आया है तो मुझे लगता नहीं कि, जैसा कि वरुण जी भी कह रहे थे, बहुत ज्यादा फायरवर्क्स एक्सपेक्ट करना चाहिए। बट यस, जिस तरीके के मूवमेंट्स है वो कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब मुझे सरप्राइजिंग लगते हैं। और मारुति को लेकर यह है कि जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करके रखें, बाकी ओवरऑल मुझे लगता है आने वाले क्वार्टर्स में नंबर्स अच्छे ही आएंगे, और ये भी नंबर्स के मार्केट के अनुमान और एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो गई थी, तो इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि साथ में ऑटो इंसिलरी पैक पे ध्यान दे, टायर के स्टॉक्स पे ध्यान दे, जबरदस्त रिजल्ट्स आए हैं, बैटरी वाले स्टॉक्स हैं, काफी स्टॉक्स मैंने इसमें भी रेकमेंड किए, जैसे कि 3M इंडस्ट्रीज है या और मुंजाल शोआ, मुंजाल ऑटो, टू व्हीलर स्टॉक्स पे ध्यान दे सकते हैं। सो आई एम बुलिश ऑन द सेगमेंट, बट यस थोड़ा सा जिस तरीके से मार्केट में करेक्शन आए हैं तो थोड़ा और करेक्ट हो जाए तो नीचे के लेवल्स पे ले, बट यस मारुति इज सर्टनली अ बाय ऑन डिक्लाइंस, एंड जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करें। चलिए ऑटो सेगमेंट की तो बात हुई, अब आए बिल्कुल एक बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक है वो है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, और ये ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार रेकमेंड किया, मैंने हर लेवल्स पे स्टॉक को रेकमेंड किया। वेरी फ्रेंकली मैं 2013 में पहली बार स्टॉक को रेकमेंड किया था और वो 238 रुपए के भाव थे, और वहां से ये नॉन स्टॉप 1850 तक भी साल ईयर आफ्टर ईयर चला है। एंड रीजन बीइंग इस एक्सचेंज को बहुत करीबी से देखते हैं, डिस्क्लोजर ये भी है कि हम इसके मेंबर भी हैं, और बहुत जबरदस्त एक्सचेंज है, वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंजेस है गोल्ड और सिल्वर में भी, और इंडिया में तो नंबर वन एक्सचेंज है ही है नॉन एग्री कमोडिटीज में, और जबरदस्त ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाया है, और सबसे बढ़िया बात है ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है। 1875 का लेवल था जहां से ये अभी नीचे 1600-1650 के बीच में ट्रेड कर रहा है। दूसरी बात है इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग इस एक्सचेंज पे शुरू होने वाली है थोड़े दिनों में, IEX से लोग स्पॉट लेंगे और यहाँ पे भी ट्रेडिंग शुरू होने वाली है, तो दैट इज ऑल्सो ट्रिगर। कंपनी ने रिसेंटली इंडेक्सेस लॉन्च किए थे, वहां पे भी रेस्पॉन्स धीरे धीरे और बढ़ेगा, और ऑप्शन भी इन्होंने स्टार्ट कर रखा है।
राकेश झुंझुनवाला जी का भी इस कंपनी में स्टेक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप स्टॉक का पी मल्टीपल देखें तो मुझे बहुत सस्ता लगता है पी मल्टीपल वाइज, अगर इसी टाइप की जो दूसरी कंपनियां उनके बहुत ज्यादा पी मल्टीपल्स पे ऑनलाइन बिजनेसेस को मिल रहे हैं। दूसरी बात है बीएससी, एमसीएक्स, ये सब लिस्टेड स्पेस की कंपनियां हैं और एक्सचेंजेस में सबसे पहला एक्सचेंज लिस्टेड है और आईएक्स भी है, और अब थोड़े दिनों में एनएसई जब लिस्ट होगा तो सबकी पूरे सेक्टर की रीरेटिंग होगी। सेल्स की कैगर बहुत बढ़िया रही है पिछले 3 साल की, 13-14%, प्रॉफिट की करीब 26-27%, दिसंबर 20 का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया। तो ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक, मुझे लगता है स्टॉक को ले और 1950 का टारगेट के लिए बिल्कुल खरीदे 6 से 9 महीने की अवधि। तो एमसीएक्स में खरीदारी की सलाह संदीप जैन की लॉन्ग टर्म व्यू में। बहुत शुक्रिया संदीप जी।